आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट लाई हूँ, जिसके ज़्यादातर प्रश्न जो हैं KVS NVS और नेट एग्जाम से संबंधित हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र कहाँ संग्रहित है, यानी किस जगह जो है ये उत्तरा जो किस पर चीज कौन सा ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र, और किस पर चित्रित है, ये कागज पर चित्रित है, तो ये कहाँ पर जो है संग्रहित है या कहाँ पर है सुरक्षित है। तो ये जो है आपका जैसलमेर में सुरक्षित है, कहाँ, जैसलमेर राजस्थान में। अगला है, कल्प सूत्र की अति प्राचीन प्रति जो है वो कहाँ पर सुरक्षित है, यानी कल्प सूत्र की जो प्राचीन प्रति है वो कहाँ पर है, तो वो जो है सेठ आनंद जी कल्याण जी के यहाँ पर जो है वो सुरक्षित है। शास्त्रीयवाद के सिद्धांत है, यानी शास्त्रीयवाद के कौन कौन से सिद्धांत है, तो शास्त्रीयवाद के सिद्धांत है स्पष्टता और संतुलन। क्या सिद्धांत है? स्पष्टता और संतुलन। जैसे भविष्यवाद का क्या सिद्धांत है, वो गति पर आधारित है, तो इसी तरह से ये जो है स्पष्टता और संतुलन पर आधारित है। अगला है, राष्ट्रीय शास्त्रीयवाद के कलाकार कौन कौन है, यानी इसके जो है प्रमुख कलाकारों के नाम बताने हैं, तो क्या है, क्लाउड लोरा है, कौन कौन है, क्लाउड लोरा है, और जो है जियार्डो और अलगार्डो जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार है। अगला है, नवशास्त्रीयवाद का समय क्या है, तो नवशास्त्रीयवाद जो है इसका समय जो है 1780 से 1830 है, कितना है, 1780 से 1830 है। कंस्ट्रक्शन जे रचना है, यानी कंस्ट्रक्शन जे जो रचना है ये किसकी है, तो ये है जगदीश टेकी है, किसकी है, जगदीश टेकी। अगर आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, तथा जो है कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी शिकायतें हों सुझाव हों वो भी ज़रूर टाइप करें, तथा जो लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अबाउट सेक्शन में जाकर वो वहां से टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आगे है, अमूर्त कला की पहली प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो थी वो कहाँ पर लगी थी, यानी अमूर्त कला की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी वो कहाँ पर लगी थी, तो वो लगी थी आपकी 1930 पेरिस में, कहाँ पर लगी थी, 1930 पेरिस में। वह स्थान जहाँ भारत महोत्सव, कौन सा स्थान, भारत महोत्सव 1985-86 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी लगी थी, यानी कहाँ पर जो है नवतांत्रिकवाद से संबंधित प्रदर्शनी जो थी 1985-86 में कहाँ पर लगी थी, तो ये लगी थी लॉस एंजल्स में, कहाँ लगी थी, लॉस एंजल्स में, जिसमें रहस्यपूर्ण तरीकों से बनी छाया, कौन कलाकार है जिसने जो है रहस्यपूर्ण तरीकों से बनी छायाएं, खाली सड़कें और वीथिकाओं के चित्र बनाए हैं, किस किस चीज़ के बनाए हैं, लंबी छायाएं, खाली सड़कें और वीथिकाओं के जो है चित्र किसने बनाए हैं, तो जियो जियोर्जियो सिराको ने जो है बनाए थे। अगला है, ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं, यानी ज्यामिति आकार के लिए कौन जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं काल्जीमीर मेलेविच, क्या, कौन जाने जाते हैं, काल्जीमीर मेलेविच। इन्वेस्टमेंट मोड संबंधित है, यानी इन्वेस्टमेंट मोड जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका ब्रांच कास्टिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है, ब्रांच कास्टिंग से। अगला है, टीसी ऑफ टेरेसा के मूर्तिकार कौन है, तो इसके जो मूर्तिकार हैं वो हैं देना तल्लो, कौन है, देना तल्लो। आगे है, मैलेट से संबंधित है, मैलेट जो है किस से संबंधित है, अभी मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट मोड जो है वो तो ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित है, और जो मैलेट है ये जो है वुड कार्विंग से संबंधित है। गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण लघु चित्र पर किस शैली का प्रभाव जो है
दिखाई देता है, यानी गोवर्धन श्री कृष्ण कह सकते हो या गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण, जो कैसा चित्र है, लघु चित्र है, और इस पर जो है किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस पर जो है चीनी प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगला है, अजंता की सफाई पुरातत्व विभाग ने किस तरह से की थी, यानी अजंता की सफाई जो थी वहाँ चित्रों की, उसकी गुफा की जो, तो वो किस तरीके से अपनाई थी, तो इन्होंने जो है इसकी सफाई जो थी वो रासायनिक उपचार के द्वारा की थी, यानी रासायनिक तरीके से की थी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन जैन मंदिर की प्रतिमा किस सदी की है, यानी गुप्तकालीन जो जैन मंदिर है उनकी प्रतिमा जो है कौन सी सदी की है, तो ये है आपकी पांचवी सदी की। कौन सी सदी की? पांचवी सदी की। सिंधु नदी समाप्त होती है, यानी एक तो कहाँ होती है, ये अरब सागर में समाप्त होती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख नदी है वो कहाँ पर समाप्त होती है, या जिस नदी के किनारे हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल मिले हैं वो कहाँ पर गिरती है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह का एक क्वेश्चन जो था वो शायद NVS में आया था, और ये सभी प्रश्न जो है आपके KVS NVS और NET परीक्षा में आए हुए हैं। अगला है, जैन मुनि द्वारा चित्रित 1439 यानी 1433 की एक हस्तलिपि कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो जो है कहलाती है मांडुकल्प सूत्र। क्या कहलाती है? मांडुकल्प सूत्र। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तीन चरण कौन कौन से, यानी इसमें जो है सुधार किया, कभी बनाया फिर सुधार किया, तो वो कौन कौन से तीन चरण है, तो इसके तीन चरण है। इसका पहला चरण जो है वो है 1906 का, और दूसरा चरण जो है वो 1921 का, और तीसरा चरण है इसका 1997 का। इन सभी प्रक्रियाओं किसके से गुजरने के बाद जो है भारतीय ध्वज का पूर्ण तरह से निर्माण हुआ है। आगे है, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष और लोग लगे थे, यानी कितने कारीगर जो लगे थे, कितने व्यक्ति लगे थे कि जब ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो ताजमहल के निर्माण में जो है 20 जो है वर्ष लगे थे, और 20,000 लोगों ने जो है कारीगरों ने इसमें काम किया था। अगला है, शाहजहां के समय का कबीर और रैदास, यानी शाहजहां के समय एक चित्र बना था कबीर और रैदास चित्र, के चित्रकार कौन है, तो उसके चित्रकार जो है उस्ताद फकीरुल्ला खान है। कौन है? उस्ताद फकीरुल्ला खान है। तो इसी के साथ जो है आज की जो है मेरी वीडियो जो है वो समाप्त होती है, तो आप सभी दोस्तों को इसी के साथ धन्यवाद, और आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है अबाउट वीडियो के अबाउट सेक्शन में है, और कोई भी शिकायतें या सुझाव हो तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।